हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल अड्डा। मैं हरदीप कौर आपको आज इस वीडियो के जरिए कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री जीन्स के बारे में बताने जा रही हूँ। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री जीन, लेट्स टॉक अबाउट जीन इंटरेक्शंस। व्हाट आर जीन इंटरेक्शंस? द इन्फ्लुएंस ऑफ वन जीन ओवर द अनदर विच कॉजेज अ चेंज इन इट्स एक्सप्रेशन और फेनोटाइप इज कॉल्ड जीन इंटरेक्शन। एक जीन जो है वो दूसरी जीन को अफेक्ट कर रही है, उसके फेनोटाइप में चेंज कॉज कर रही है, उसे हम जीन इंटरेक्शन बोलेंगे। ये जो जीन इंटरेक्शन है ये दो तरह की हो सकती है, एलिलिक जीन इंटरेक्शन एंड नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। एलिलिक जीन इंटरेक्शन मतलब अगर दो एलील्स के बीच में इंटरेक्शन हो रही है दैट इज नॉन एज एलिलिक इंटरेक्शन, एंड अगर दो नॉन एलील्स के बीच में इंटरेक्शन हो रही है दैट इज नॉन एज नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। और हमारा जो आज का टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री जीन, इट कम्स अंडर द नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स आर दोज जीन्स विच इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस अ सिमिलर इफेक्ट बट दे शो अ न्यू ट्रेट व्हेन प्रेजेंट टुगेदर। सो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होती हैं? अगर तो ये अलग अलग प्रेजेंट है इन इट्स डोमिनेंट फॉर्म, अगर डोमिनेंट फॉर्म में ये अलग अलग प्रेजेंट है तो ये सिमिलर इफेक्ट शो कर रही है, लेकिन अगर ये दोनों जीन्स एक साथ प्रेजेंट है तो ये एक नया ट्रेट प्रोड्यूस कर रही है, दैट आर नॉन एज कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। सो हम इसमें एक एग्जाम्पल ले रहे हैं फ्लावर कलर की, ठीक है, पी प्लांट में फ्लावर कलर इन पी प्लांट। सो इसमें क्या है कि दो तरह के फ्लावर्स ले लिए हमने, व्हाइट कलर और पर्पल कलर का फ्लावर, ठीक है। जब तो इसमें दो डोमिनेंट जीन है, एक कैपिटल सी एंड कैपिटल पी, जब ये दोनों अलग अलग प्रेजेंट है तो ये दोनों व्हाइट कलर के फ्लावर प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। और आप देख सकते हैं इस क्रॉस में जैसे कि इन दोनों में क्या है कि व्हाइट फिनोटाइप है, ठीक है, ये इनके गैमेट्स हैं। इनकी जब हाइब्रिडाइजेशन हुई तो उसमें क्या हुआ कि सी और पी दोनों एक साथ आ गई। तो अब जब हमने क्या बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में क्या होता है कि जब दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ प्रेजेंट है तो ये एक नया इफेक्ट नया ट्रेड शो करेगी। तो जब ये एक साथ आ गई तो ये पर्पल कलर के फ्लावर्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। सो आप इसमें देख सकते हैं क्लियरली कॉम्प्लीमेंट्री जीन में क्या है कि जब ये एक साथ जीन्स आ जाएंगी तो ये पर्पल कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगी। ये तो थी हमारी F1 जनरेशन। अब हम F2 जनरेशन की अगर बात करें तो ये हमारे पास गैमेट्स आए, ठीक है, कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी एंड स्मॉल सी स्मॉल पी। ये चार तरह के गैमेट्स बने हमारे पास, ठीक है। अब हमने इनकी सेल्फिंग करवाई, जब हमने इनकी सेल्फिंग करवाई तो ये हमारे पास इसका ये क्रॉस बना, ठीक है। और हमने इसमें से क्या रिजल्ट निकाला कि हमारे पास दोनों जो है पर्पल और व्हाइट कलर के फ्लावर्स आए 9:7 रेशो में, ठीक है। सो 9 हमारे पास पर्पल कलर के फ्लावर्स आए, 7 हमारे पास व्हाइट कलर के फ्लावर्स आए। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं, देखो जब ये दोनों डोमिनेंट जीन्स एक साथ प्रेजेंट है तो पर्पल कलर के फ्लावर्स है, ठीक है। जब इनमें से एक जीन प्रेजेंट है, एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है कैपिटल सी, ठीक है, तो व्हाइट कलर के फ्लावर्स है। मतलब जब ये दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो पर्पल कलर के फ्लावर प्रोड्यूस कर रही है, जब इंडिपेंडेंटली ये व्हाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। सो ये थी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, मतलब ये अलग अलग जब है तो ये सिमिलर इफेक्ट शो करेंगी, लेकिन जब ये इकट्ठी प्रेजेंट होंगी डोमिनेंट फॉर्म में तो ये एक न्यू ट्रेट को शो करेंगी, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री जीन्स के बारे में। सप्लीमेंट्री जीन्स क्या होती हैं? सप्लीमेंट्री जीन्स वो होती हैं जब वो अलग अलग प्रेजेंट है तो वो अपना अपना इफेक्ट शो कर रही हैं, लेकिन जब वो एक साथ प्रेजेंट होती हैं डोमिनेंट फॉर्म में तो वो एक न्यू ट्रेट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। जैसे अब हम इसमें एग्जांपल लेंगे टाइप्स ऑफ कॉम इन पोल्ट्री। पोल्ट्री में हमने पहले दो तरह के कॉम लिए, ठीक है, पी एंड रोज। आप इसमें देख सकते हैं कैपिटल पी जो है वो पी के लिए है, कैपिटल आर जो है वो रोज के लिए है, ठीक है। तो ये जो दो डोमिनेंट जीन्स है जब ये अलग अलग प्रेजेंट है तो ये क्या है कि अपना अपना इफेक्ट जो है वो शो कर रही है, लेकिन जैसे ही ये दोनों डोमिनेंट जीन्स एक साथ प्रेजेंट है, इकट्ठी प्रेजेंट है, तो ये क्या करती है कि एक न्यू इफेक्ट जो है वो शो करती है, दैट इज वॉलनट, ठीक है। तो ये होती है सप्लीमेंट्री जीन्स, जो कि
इंडिपेंडेंटली डिफरेंट इफेक्ट शो कर रही है, ठीक है। और जब ये टुगेदर प्रेजेंट है डोमिनेंट फॉर्म में, एक साथ प्रेजेंट है, तो ये क्या करती है, एक न्यू ट्रेट प्रोड्यूस कर रही है। वही कॉम्प्लीमेंट्री जीन में भी हमने क्या पढ़ा था कि जो जीन्स है जब डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होती है, अलग अलग प्रेजेंट होती है, तो वो सिमिलर इफेक्ट शो करती है, लेकिन जब वो एक साथ आती है डोमिनेंट फॉर्म में तो वो क्या है कि एक न्यू इफेक्ट शो करती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि अलग अलग होंगी तो अपना अपना इफेक्ट शो करेंगी, लेकिन जब एक साथ होंगी तो एक और न्यू ट्रेट प्रोड्यूस कर देगी, ठीक है। ये है सप्लीमेंट्री जीन्स, ठीक है। ये तो है तीन की एफ वन जनरेशन। अब हम एफ टू जनरेशन की अगर बात करें तो हमारे पास ये गैमेट्स आए, कैपिटल पी कैपिटल आर, कैपिटल पी स्मॉल आर, स्मॉल पी कैपिटल आर, स्मॉल पी स्मॉल आर, ये चार हमारे पास गैमेट्स आए, ठीक है। इसकी हमने अभी सेल्फिंग करवाई। जब हमने इसकी सेल्फिंग करवाई तो हमारे पास क्या है कि ये जो वॉलनट पी रोज और सिंगल, ये चार तरह के कॉम्ब आए 9:3:3:1 रेशियो में, ठीक है। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि जब ये जो जीन्स है, ये दोनों डोमिनेंट जीन्स पी एंड आर एक साथ प्रेजेंट है, तो ये क्या है कि वॉलनट प्रोड्यूस करेंगे, वॉलनट इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। लेकिन जब कैपिटल पी एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, ठीक है, दूसरी इसमें रिसेसिव है, ठीक है, तो ये क्या है, पी इफेक्ट शो करेगी। वही अगर कैपिटल आर प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, पी जो है वो स्मॉल है, वो रिसेसिव फॉर्म में है, ठीक है, आर जीन जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में है, तो ये रोज इफेक्ट शो करेगी। जब इनमें से कोई भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या है, सिंगल, ठीक है। तो इस तरह आप लोग इसमें क्लियरली देख सकते हैं सप्लीमेंट्री जीन्स कौन सी होती हैं। अगर वो अलग अलग प्रेजेंट है डोमिनेंट फॉर्म में तो वो क्या है कि अपना अलग अलग इफेक्ट शो कर रही है, लेकिन वही अगर वो एक साथ आ जाती है डोमिनेंट फॉर्म में तो वो एक न्यू ट्रेट प्रोड्यूस करेंगी, ये होती है सप्लीमेंट्री जीन, ठीक है। तो ये था रजे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री जीन्स के बारे में। आप लोगों को अगर इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा। ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।